गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास फरमाइश आई है बर्गर बनाने की, तो अभी ब्रेकफास्ट में बनेगा बर्गर। और यहाँ पे मेरी बन रही है सुबह की चाय, चाय और रस, अपनी स्पेशल चाय। बेडशीट बिछाना ना अपने में एक अच्छी एक्सरसाइज है। पौने चार हो गया, लंच तो हो गया, अभी मैं जा रही हूँ नीचे तक थोड़ा बहुत सामान लेना है। बस अभी मैंने यही छोटा मोटा सामान लिया है, जो स्टिचिंग के लिए सूट दिया था वो एक मिल गया, तो मैं कल पहन सकती हूँ उसको दिवाली पे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी मैं अपने रूटीन काम से फ्री हो चुकी हूँ, अब धीरे धीरे शुरू करते हैं हम दिवाली की तैयारी। मिन्नी का अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है और यहाँ पे फूल आ चुके हैं, ये रंगोली के कलर्स वगैरह जो कि अब बनाने वाली है। होपफुली भैया ऐसा कुछ नहीं चलेगा, अब आप नहीं मुकर सकते, सारी जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हम रंगोली बनाएंगे, नेबर्स ने बहुत प्यारी रंगोली बनाई है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बता बाहर उन्होंने इतना प्यारा बनाया हुआ ना पीकॉक। 3 बजने वाले हैं, अभी शुरुआत करते हैं रंगोली से। एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया, मिन्नी को भी ऑफिस का कुछ काम आ गया था, इसलिए तब तक मैंने फिर उसकी तैयारी कर ली रंगोली बनाने की। एक मुझे ये मिला है पिछली दिवाली का, कुछ नहीं होगा तो मेरे लिए बैकअप के लिए ये है। मिनी तो फ्री नहीं हो पाई, मैंने सोचा मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने आज तक कभी रंगोली नहीं बनाई, और जो मेरा रंगोली बनाने वाला था वो भी काम नहीं कर रहा। ये कुछ ऐसा बना है, ये यहाँ से ख़राब हो गया। अभी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके रंगोली कंप्लीट की है। जैसे नेट में देखा मेरे को तो मुझे बड़ा इजी लगा, मैंने कहा नहीं नहीं हो जाएगा आराम से, बट जब बनाने लगी तब बस बना दिया। तो दिखाती हूँ आपको। रंगोली तो पता नहीं क्या बनी है, ये सारा फैल गया सामान। मैंने भिगाई है दाल, इसके बनेंगे वड़े। थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया था, अभी 6:45 हो गए हैं, थोड़ी देर में फिर पूजा की तैयारी शुरू करती हूँ। अभी मैं बस अपनी चाय पीने इधर अंकु के रूम में आई थी, मिस करी थी थोड़ा उसको, आज उसे जूम कॉल पे बात हो गई थी, अच्छा लगा। तो बस चाय पी के अपनी तैयारी शुरू करती हूँ। मिन्नी 7 बजे पूजा करनी, सो ऑलमोस्ट पूजा की तैयारी तो हो गई है, बस अभी मैं जल्दी से वड़े बना लेती हूँ पूजा के लिए। तो पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब वेट करते हैं बाकी लोग के आने का।
ये क्या कर रही है? फूल अलग कर रही ना, माला का यूज नहीं है, फूल बाहर लगा रही है। कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। पहले कैसा होता था कि जब इस समय तक तो फ़ोन पे तो बात ही नहीं कर सकते थे और आपस में भी घर पे भी हम लोग बात नहीं कर सकते थे आसानी से। अभी है बट बहुत कम है। काफ़ी अच्छी बात है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, नेचर के लिए। सिंस खाना वगैरह तो हो गया है, नीचे सोसाइटी का एक राउंड लगा के आते हैं। मास्क, अरे हाँ। भाई है नहीं अभी दिवाली पे, बट हमने उसका रूम भी बहुत अच्छे से एकदम लाइट अप कर दिया। मम्मी ने कहा था कि अंकू के रूम में भी अच्छे से कर देना। यहाँ पे इसकी ऑलरेडी लाइटिंग है इसके पूरे रूम में। सो अच्छा ये नहीं है आई थिंक इसकी लाइट, ये या फिर यस ये वाली पूरी इसकी लाइट है जो बहुत अच्छी लग रही। सो आज हमने भाई को बहुत मिस किया, बट ठीक है ऐसे भी होता है। सो इसके रूम से सबसे अच्छा व्यू है। नीचे से तो घूम के हम लोग आ गए, थोड़ी देर टीवी देखेंगे और साथ में हम लोग क्या पी रहे हैं, अपना जूस। हमारी पारी हो रही है, पारी 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 हो रही। बाहर बम चल रहे हैं, लाइट चल रही है, ये हमारी पारी हो रही है, पारी हो रही है। मम्मी को मेरे से ज्यादा ट्रेंड्स आते हैं। कैसे? ये पारी हो रही है वाला पारी हो रही है वाला तो काफी कॉमन हो गया अभी। तो फ्रेंड्स ये थे दो दिन दिवाली के, और ये दिवाली ना हमको
बहुत सारे लेसन्स भी देती है। जैसे उनमें से एक जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है वो है पेशेंस। जैसे इसकी जो स्टोरी है, भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और वहाँ पे भी 14 वर्ष उन्होंने कितने पेशेंटली हैंडल किए, बीच बीच में उनको कितनी रुकावटें आई, कैसी कैसी परेशानियाँ आईं, उसके बावजूद भी वो अपना काम लिए, अपना सब काम जो उनको उस समय जो उनकी ड्यूटी थी वो बस करते चले गए। एंड में अपना गोल उन्होंने प्राप्त किया। सो बस ऐसे ही मुझे लगता है हमें भी अपनी लाइफ में पेशेंस से काम लेना चाहिए, स्पेशली जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं तो सबसे ज़्यादा हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। तो उस वक्त बस हमको ये कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी है कि हम अभी कैसा महसूस कर रहे हैं और बस उससे उस समय जो हमारी ड्यूटी है वो बस हमें करते रहना है। माना कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है बट प्रैक्टिस से अचीव किया जा सकता है। बस कॉन्शियसली सोचते रहना है कि हम अभी कैसे सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और इस सोचने का कितना फ़ायदा है हमें, और बस उस वक्त जो हमारी ड्यूटी है वही हमें करते रहना है और ज़रूर हम अपने गोल तक पहुँचेंगे। सो बस इसी थॉट के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नए दिन के साथ।